तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेट कॉलेज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि भाई मैनेट पे एक वीडियो बनाया जाए। जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो बना के देता रहता हूँ कॉलेज के बारे में कि किस कॉलेज में कौन कौन सी कोर्सेज होती हैं, उस कॉलेज का एक एग्जैक्ट रिव्यू आप लोगों को लाके मैं देता रहता हूँ। तो उसी तरीके से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ मैनेट कॉलेज के ऊपर में। मैनेट का पूरा फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि पुणे में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लॉन्ग टर्म के कोर्सेज सब होते हैं, जस्ट लाइक बीटेक मरीन और बीएससी नॉटिकल साइंस। यहाँ कोर्सेज के लिए अगर बीटेक मरीन की देखी जाए तो बीटेक मरीन की 200 सीट है, वहीं पे बीएससी नॉटिकल साइंस की 120 सीट्स है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कोर्स करना है, जैसा कि बीटेक मरीन हो गया, बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, और आपको कंफ्यूज है कि भाई कहाँ से कोर्सेज सब दिया जाए, तो यार मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस पे मैं वीडियो बना के ला के देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके लिए एग्जैक्ट एक सही कॉलेजेस कौन सा है, कौन से कोर्स के लिए, ठीक है। तो यार हर कॉलेज फेमस होता है अपने अपने कोर्सेज को लेके, इसी तरीके से ये कॉलेज फेमस है बीटेक मरीन कोर्स को लेके। तो बीटेक मरीन यहाँ पे आप लिटरेरी में कर सकते हैं और यहाँ पे रेगुलर में भी आप लोग कर सकते हैं। बीटेक मरीन कोर्स जो 4 साल का होता है, उसका फीस अराउंड 13 लाख रुपया होता है, और बीएससी नॉटिकल साइंस का फीस जो है वो 9,56,000 रुपया फीस होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा एडमिशन प्रोसीजर का। तो फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसीजर में जो अदर कॉलेज में आप सिंपल सा फॉर्म फिल करो, उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, दिन आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी जो डीजी शिपिंग मांगती है कि पीसीएम में 60% चाहिए, वही ये भी मांगती है ट्वेल्थ में आप लोगों को पीसीएम में 60% होने चाहिए, और आप लोगों को इंग्लिश में 10th और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो अगर आप एसटीएससी कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको अगर मैनेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप आईएमईसीटी भी फिल किए होने चाहिए। जो आईएमईसीटी का जो स्कोर रैंक होगा वो भी आपको यहाँ पे एडमिशन लेने टाइम मांगा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को होना चाहिए, आप लोग आईएमईसीटी का एग्जाम दिए होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ जो एक मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप जो भी शॉर्ट टर्म के जो पहले से कोर्सेज होते थे उस कोर्स के लिए पासपोर्ट कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज होते हैं जस्ट लाइक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस, वो सब कोर्सेज के लिए भी पासपोर्ट कंपलसरी कर दिए गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट का गाइडलाइंस पढ़ोगे और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाकर पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया किसी भी कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो अगर आप मर्चेंट टर्म में लॉन्ग टर्म का कोर्स करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म का कोर्स करना चाहते हो, तो आप लोग पासपोर्ट यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई एडमिशन लेने के लिए आपको पासपोर्ट यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट की प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि हर कॉलेज डिपेंड होता है अपने प्लेसमेंट के ऊपर में। और इसके अगर मैं ऑफिशियली वेबसाइट में मैं जाकर देखूंगा तो यहाँ पे 80% प्लेसमेंट इन्होंने कहा है कि मैं 80% प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो स्टूडेंट लोग के फीडबैक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 80% प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर 200 सीट्स है बीटेक मरीन में, तो यार यहाँ पे 150 स्टूडेंट को अप्रॉक्स जॉब मिल जाता है और 50 स्टूडेंट को नहीं मिल पाता। और यहाँ पे जॉब लेने का जिस तरीके से हर कॉलेज में जॉब लेने के लिए, प्लेसमेंट लेने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि इस कंडीशन को आप फॉलो करोगे, इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो फिर प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा कॉलेज की तरफ। इसी तरीके से ये भी कॉलेज में रूल है कि आपका अटेंडेंस अच्छा से अच्छा होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपके जो बीटेक कोर्सेज होते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्सेज होते हैं, तो आपको एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो स्टूडेंट लोगों का जो कहना था कि यार यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जो महाराष्ट्र स्टेट के वहाँ के लोकल स्टूडेंट लोग रहते हैं उस लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन के लिए, अदरवाइज अगर किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट लोग हैं तो उस लोग को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। भले आप अगर किसी अदर स्टेट से हो और आपने अगर अच्छा मार्क स्कोर कर लिया वो मैटर नहीं करता, जो स्टूडेंट लोगों का कहना था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपका प्लेसमेंट फास्ट होता है, अदर बात स्टूडेंट लोगों में रेफरेंस लगाना शुरू कर देते हो तो उस लोगों को जॉब मिल जाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर मैं बताऊंगा कि अगर बीटेक मरीन कोर्स लेना तो या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स लेना तो यार सबसे पहला ऑप्शन आपको तुलानी रखो, उसके बाद समुद्रा रखो, उसके बाद आईएमआई रखो, उसके बाद आप लोग एमएट रखो, लास्ट में आप मैनेट रख सकते हो, ठीक है। तो मैं
लास्ट अगर मैनेट मैनेट कर सकते हो तो मैं मैनेट को उतना अच्छा कॉलेज नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैनेट में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्टूडेंट लोगों का फीडबैक मिलने के बाद मैं ये वीडियो बता रहा हूँ कि यार मैनेट कॉलेज उतना सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए, क्योंकि यार स्टूडेंट लोग जो है यहाँ पे अगर बीटेक मनी कोर्स करते हो तो यार 10 लाख रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, अगर बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो तो भी आप लोग 9.5 लाख के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो यार ऑल ओवर आप लोग 10 लाख 11 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो कॉलेज में आके, तो यार थोड़ा पैसा इन्वेस्ट और करो, आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है। तो यार इसीलिए मैं हर स्टूडेंट लोग को रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो ऑल ओवर मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि यार मैरिट कॉलेज ऑल ओवर सही है, बट प्लेसमेंट का बहुत ही बड़ा इशू है। स्टूडेंट लोगों का कहना था कि यार प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिल पाता था, प्लेसमेंट उतना सही नहीं है, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया यार आप लोग ट्राई करो, आप लोग को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, अच्छे से अच्छे कॉलेज ट्राई करो। ये सब मैनेट में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग मैनेट में जाके स्टडी करो, ठीक है। अगर आप लोग इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार अच्छे से अच्छे कॉलेज में ट्राई करो, ठीक है। तो यार उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग किसी भी कैंडिडेट कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।